इमली को बचाने आ गया विवान, अपनी गर्भवती पत्नी को गांव वालों के ताने से और पत्थरबाजी से बचाने आ गया विवान। क्योंकि गांव वाले इमली को खरी खोटी सुना रहे थे, उस पर पत्थर फेंक रहे थे, तो विवान को तो बीच बचाव करने आना ही था, क्योंकि प्यार अब भी बरकरार है। अगर किसी ने इमली को हाथ भी लगा तो उसके गले में फंदा बांधकर इस पेड़ से लटका देंगे हम। कितने गवार हो तुम, एक छोटी सी बात तुम्हारी मोटी खोपड़ी में नहीं घुसती। बच्चे की मां कैसी भी हो, बच्चा निष्पाप होता है। तभी तो विवान ने ना सिर्फ इमली को बचाया बल्कि गांव वालों को एक लंबा चौड़ा भाषण भी दे दिया। और अगर आज के बाद हमने किसी से भी सुना कि किसी ने इमली के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसके घर में घुसकर उसे चूतों से मारेंगे। परमेश्वर ही आएंगे, कौन आएगा, तभी दोस्त कोई नहीं होता, सिर्फ प्यार आता है। फाइनली आ गया बचाने के लिए मैं इसको, और बच्चा जो है उसके लिए प्यार है हमेशा से, जब पहले भी सूरज का बच्चा था तब भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये तो कहीं ना कहीं पता नहीं किसका है, लेकिन एक्सेप्ट अब भी कर ले रहा हूँ कि कम से कम उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शायद बहाना भी हो सकता है तो प्यार ही, तो उसको बचाना ही है। विवान के भाषण को सुनकर गांव वाले बिखर गए और बच गई इमली। इमली को तो यही लगा कि विवान उसके पास आ गया, उसे अभी प्यार कर रहा है, मगर विवान को अभी भी इनकार है। लेकिन कह दिया कि हर बार नहीं आऊंगा, आज बचा लिया, अगली बार से खुद देख लो। एक तरफ विवान और इमली एक होने की तैयारी में हैं, तो दूसरी ओर सूरज और चकोर साथ साथ हो गए हैं। दोनों लखनऊ में साथ साथ घूम रहे हैं और यहाँ उन्हें साथ देने उनके मिशन को पूरा करने के लिए कुछ यार दोस्त भी मिल गए हैं। चलो अच्छा है, अब शायद ये दोनों ही जोड़ियाँ एक बार फिर पहले की तरह साथ साथ हो जाएंगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।